गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग भारतीय संस्कृत पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10वीं का। इस चैप्टर में जो चैप्टर का नाम है वो भारतीय संस्कार है। तो इससे पहले हम लोग शब्दार्थ जान लेते हैं इसका, ठीक है। तो शब्दार्थ में है प्राचीन कालत प्राचीन समय से, महात्मम धर्मन महत्वपूर्ण, अभिज्ञानम पहचान, ऋषि नाम ऋषियों की, कल्पना मन अवधारणा सोच, वरिष्ठ नम मन बुजुर्गों का, अनुष्ठाने मने यज्ञ, परिमार्जनम मने शुद्धिकरण, गुणे धाने मने गुण के ग्रहण करते हैं जिसमें आरती मने भुला दिए जाते हैं, दोष पेन मने दोषों को दूर करने में, दोषों को दूर करने में, निष्कर्ण मने बाहर निकालना, अन्न प्रसाद मने प्रथम आनंद, चूड़क मने उपनयन करना, अपनयन मने गुरु के पास ले जाने वाला संस्कार, के शांत मने समय ग्रहण करते समय बालों का काटन, मतलब के शांत एक समय होता है क्या, बालों का काटन मुंडन, जब स्कूल में नाम लिखाते हैं तब, या किसी चीज़ का मन्नत होता है तब, प्रमते मने आरम्भ करते हैं, शिक्षा नियम मतलब शिक्षा के नियम। अब श्लोक का अर्थ है, प्लायन मने प्लायन करने के लिए, उत्कृष्ट मने महत्वपूर्ण पाठ, मनत्यस्म मने माना जाता है, छौर कर्म केसों के काटने वाला कर्म, गौदान मतलब गायदान, समावर्तन संस्कार वैवाहिक जीवन से संबंध, शिक्षा वासने शिक्षा के समाप्ति होने पर, उपदेश मने उपदेश देकर, प्रेषयति मने भेजता है, माँ मने मत, प्रमाद मने अहंकार, निरक्षणे मने जाँच, लाज हो मने धान के अलावा से किए गए हवन, सप्तपदी विवाह संस्कार में पति के साथ पत्नी का साथ बार जो फेरा होता है, रेखा पर पैर रखना, मरण दांत्रम मृत्यु के बाद। तो विद्यार्थीगण बच्चोंगण, ये क्या हो गया कि शब्दार्थ हो चुका है स्टूडेंट्स, और हम लोग अब कहानी को हिंदी में जानते हैं, ठीक है। तो कहानी की हिंदी में जानते हैं भारतीय संस्कार। तो भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यथा जीवन यह समय समय संस्कार अनुसृतित भवन्ति। भारतीय जो संस्कृति है, जो वैशिष्ट मतलब विद्या दिया जाता है जीवन में, यह समय समय पर संस्कार के बारे में बताया जाता है। अध संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूपेण प्रजते, मतलब अध मैंने आ संस्कार शब्द का लोग व्यंग रूप परिचित करते हैं, व्यंग रूप मतलब मजाक के फॉर्म में करते हैं, व्यंग करते हैं, वर्णन करते हैं, यहाँ व्यंग होगा, व्यंग रूप वर्णन करते हैं। किंतु संस्कृत रूपेण स्तंभ भारतीय से व्यक्तित्व रचते, किंतु जो संस्कृत है भारत का व्यक्तित्व का रचना किया है, पर्सनालिटी वृद्धि व्यक्तित्व का, विदेशे निपसंतु भारतीय संस्कारण प्रति उन्मुखा जिज्ञासा से, तो विदेश में भी रहने वाले भारतीय संस्कार के प्रति जिज्ञासा रखते हैं। आजकल देख भी रहे हैं पूरे विदेश में, पूरे देश, पूरे संसार में, पूरे संसार में जितने भी देश के लोग हैं भारतीय संस्कृति अपनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो भारतीय संस्कृति है बहुत महत्वपूर्ण है, और हम लोग के संस्कृति में बहुत ज़्यादा अच्छाई भी है। तो बहुत सारे लोग हमारे संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, हमारे जैसा जीवन जीना चाहते हैं, हमारे जैसा करते हैं। जैसे देखिए, हमारे जीवन में शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया, रामानुजम गणित के थे, ऐसे। और हम लोग का संस्कार में एक पति पत्नी होता है, इसमें तलाक नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ ऐसी आकर्षित की जाती है, जो विदेशों में पूरे संसारों में भारतीय संस्कृति का जो प्रथा है, संस्कार है, वो श्रेष्ठ है, और लोग आकर्षित भी होते हैं। जैसे वृंदावन में देखिए, अयोध्या में देखिए, लोग विदेश के लोग आते हैं, साधु बनते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो अनुष्ठान है कि इसके बारे में कितना बताए, वो भी बहुत कम है। और जीता जागता साबूत के फॉर्म में हम लोग का सारा संस्कार है, और सबसे पुराना भी है, और 16 संस्कार है, आगे पढ़ेंगे। पठ्यस्मिन तेसा संस्कारम संक्षिप्त परिचय महत्वम निरूपिते, तो पठ्यस्मिन इस पाठ में हम लोग संस्कार के संक्षिप्त परिचय के महत्व के निरूपित करेंगे, ठीक है। भारतीय जीवन प्राचीन काल संस्कार महत्व धरनी, भारतीय जीवन के प्राचीन काल में संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। प्राचीन संस्कृत भी गानम संस्कृत भी हम जयती, तो प्राचीन काल में संस्कृत का ज्ञान भी संस्कार में गाया जाता था।
अत्रीष्णम काल्पनी सव्यता स जीवन स सर्वेशु मुख्य सर्वेशु वेदनाम मंत्र पठम वृष्टानम आशीर्वाद होम पर्व सत्सम सम्मेलन च भवेत। मतलब अत्रीष्णम, यहाँ ऋष्णम मैंने ऋषि के साथ ऋष्णम जीवन सर्व, तो जीवन मुख्य रूप से वेदों का मंत्र पर है। आशीर्वाद होम परिवार के सदस्य मिल के रहते हैं। तत् सर्वम संस्कार अनुष्ठासन समाप्ति, तब ये संस्कार अनुष्ठान होता है एवं संस्कार महत्तम रहती, संस्कार का महत्व रखा जाता है। कीचे संस्कार ऐसे मौलिकी अर्थे परमियाजनम गुणधर्चन विस्मृति, तो संस्कार का जो मौलिक अर्थ है परम गुणधर्चन तो परिमर्जन, तो परिमर्जन मैंने क्या था, परिमर्जन मन अनुष्ठान के गुण धर्म के बारे में बताया। अतः संस्कार मानव से कर्म से परमिशने दोषना गुण धने योगदानम कुर्वन्ती, तो संस्कार में मानव का परम दोष गुण जो भी योगदान करता है, दोष मतलब कुछ गलत पाप करना या कुछ अच्छा करना गुण करना को संस्कार प्रेरण पंच विद्या संति, संस्कार जो पांच विद्या है जन्म के पूर्व से, स जन्म के पूर्व पांच विद्या है, सैसब खष्ट मतलब सैसब में खष्ट है, शैक्षक पंच गृहस्थ है और शिक्षण अध्ययन में पांच है, जो पढ़े गुरु का चेष्टभको ध्यानम अल्पहारी स्वानित्र गृहम त्यागी। गृह संस्कारम विवाह रूपी एक संस्कार है और मरण रूपी एक संस्कार है, तो जन्म के पूर्व हो गया शैशव अवस्था खष्ट हो गया, शैक्षिक अवस्था पांच हो गए, गृहस्थ संस्कार विवाह भी एक संस्कार है और उसके बाद जीवन का अंत भी संस्कार, इस तरह से सोलह संस्कार बनते, सोलह संस्कार है। जन्म पूर्व संस्कार है सो गर्भधानम, जन्म के पूर्व संस्कार है गर्भधानम गर्भ को धारण करना। पुष्पानम सिमंती विचेत त्रय भवंती, पोषण चेत तीन होते हैं। अत्र गर्भरक्षा गर्भ गर्भस्था है संस्कार, मतलब जो तीन होते हैं गर्भधारण में उसमें गर्भ की रक्षा करना चाहिए, एक पति को एक पत्नी को देखभाल करना चाहिए जब वो गर्भावस्था में हो। और गर्भावस्था संस्कार गर्भोत्तय से प्रसन्न चेती प्रयोजनम कल्पति, और गर्भावस्था के बाद प्रयोजन करना चाहिए। सहसब संस्कार से जातकर्म नामकर्णम निष्कर्णम अन्य प्रशासनम चूड़ा कर्म कर्देशम कर्म से भवंती, तो सहसब अवस्था जो बच्चे अवस्था में जातकर्म, जातकर्म मैंने जो हुआ बाल उल को काटना उसको साथी करना नामकरण नाम देना, अन्न प्रशासन पहला अनाज मुंह में जो डालते हैं, अन्न प्रशासन शब्दार्थ में लिखा हुआ होगा, तो अन्न प्रशासन जिसको पहला अनाज मुंह में हम लोग डालते हैं, पहला अनाज किसी बच्चों को देते हैं वो प्रथम अन्न को कहते हैं। चूड़ा कर्म मना उपनयन ग्रहण करना, चूड़ कर्म मना उपनयन ग्रहण करना काम जैसे कर्मते भवते होता है। शिक्षा संस्कार सत्सारम्भे उपनयम वेदारम्भ के शांत सर्वोत्तम संस्कारम पुलकैती, तो शिक्षा संस्कार का आरंभ अक्षर से होता है। उपनयन माने गुरु के पास ले जाना, उपनयन माने गुरु के पास ले जाना, तो शिक्षा का शुरुआत होती है गुरु के पास ले गए वेदारम्भ से अक्षर से किसान सर्वोत्तम संस्कार पुलकैती। देखते हैं हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग को सरस्वती पूजा में सरकारी स्कूल में ले जाया जाता था और वहाँ स्लेट या पेंसिल से पकड़ाया जाता था और तब हम लोग की विद्या पढ़ाई लिखाई शुरू होती थी। हमें याद नहीं है लेकिन लोग हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं और देखने को भी मिला है। तो उपनयन संस्कार से गुरु के पास ले जाना, अर्थ है गुरु न शिष्य स्व गृह ज्ञानम भक्ति, और गुरु के साथ ये तृतीय व्यक्ति है तो गुरु के साथ शिष्य अपने घर जाते हैं, मतलब गुरु के साथ शिष्य भी उनके घर चले जाते हैं, क्योंकि पहले था पढ़ाई जो था वो गुरुकुल था, गुरुकुल का मतलब वहाँ जा के पढ़ना, वहाँ रह कर पढ़ना, ठीक है। तत् शिष्यम शिष्य नाम पलायन में अध्ययन करती, तब शिष्य है जो वहाँ शिक्षा का अध्ययन करता पलायन करता था अध्ययन करने के लिए। ते नियम ब्रह्मचार्य वर्त्य समिष्टम, तो उस नियम था ब्रह्मचार्य का समिष्ट, ब्रह्मचार्य के मतलब सुबह ब्रह्मचार्य के बहुत सारे गुण हैं, सुबह उठना स्नान ध्यान करना पूजा पाठ करना अपने आप को एकत्र रखना, ये सारे भी ब्रह्मचार्य के गुण आते हैं। 6 बजे या 4 बजे के उठना, सुबह बीच में उठना, सब ब्रह्मचार्य का नियम होता था। प्राचीन काल से शिष्य ब्रह्मचारी इति कहते थे, इसमें प्राचीन काल से शिष्य ब्रह्मचार्य के नियम को कहते हैं।
गुरु गृह एवं शिष्य वेदाहम करोति स्म। तो गुरु के घर में ही शिष्य वेद का आरंभ करते थे। वेद जो हम लोग पढ़े हैं नाइन्थ क्लास में भी, चतवारा वेद, ऋग वेद, साम वेद, अर्थ वेद, यजुर्वेद, सबसे पुराना वेद है ऋग वेद, शुरुआत किया जाता था। वेदानम महत्तम प्राचीन शिक्षा उत्कृष्ट मन्यते स्म। जो वेद है वो प्राचीन शिक्षा से बहुत महत्व है। किसान संस्कार है गुरु गृह ऐसे प्रथम छौर कर्म भक्ति स्म। तो किसान संस्कार है मतलब बाल को त्याग देना पड़ता था, मतलब बाल मतलब से मुंडन हो गया एक तरह समझिए गुरु के, मतलब जैसे आपको प्रथम शिक्षा लेना है तो छौर कर्म मतलब केसों को काटने वाला कर्म, सब केस उसको काट दिए मतलब मुंडन हो गया और उसके बाद गुरु के ज्ञान लेंगे। अत्र गोदाना मुख्य कर्म, ये मुख्य कारण था, मुख्य कर्म था, कर्म ने काम। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारापि लभते। ये संस्कृत ग्रंथ के ये नामांतर मतलब नाम का गोदन संस्कार रूप लाभ है। समर्थ संस्कार उद्देश्यम शिष्य गुरु गृहतम गृहस्थ जीवन प्रवेश। अब जब सारे शिक्षा उच्चा अध्ययन करके कोई शिष्य गुरु को घर को छोड़ता था तो वो गृहस्थ जीवन में आता था। गृहस्थ जीवन में विवाह हो गया, शादी, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। शिक्षावास ने गुरु शिष्यान उपदेश से गृह प्रसिद्ध। तो शिक्षावास में गुरु शिष्य से उपदेश करते गृह प्रवेश थे। उपदेश उपर्यन जीवन से धर्म प्रतिपादते, उपदेश देते कि जीवन भर धर्म का प्रतिपादन पालन करना। और कहते क्या है, यथा सत्य बदम मतलब हमेशा सत्य बोलना गृहस्थ जीवन में, धर्मचर धर्म का पालन करना, स्व अध्ययन प्रमाद मतलब अपने से अध्ययन करना, प्रमाद मैंने खुश रहना मतलब अमोद प्रमाद खुशी पूर्वक रहना, ऐसो आराम कह सकते हैं अमोद प्रमाद। विवाह संस्कार रूपे से पूर्व में मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन पहुँचते, और विवाह संस्कार के पूर्व मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। विवाह पवित्र संस्कार है मत यत नान विधानी कर्म कारणी भवंती। तो विवाह एक पवित्र संस्कार है, सॉरी, विवाह पवित्र संस्कार है मत विवाह एक पवित्र संस्कार है। यत नाना विधि अनेक प्रकार के कर्म कारणी होते हैं, मतलब अनेक प्रकार के नियम कानून, सॉरी कानून नहीं नियम होते हैं, विध व्यवहार जिसको कह सकते हैं आप। तेसु बागदानम मंडप निर्माणम वधु गृहम ब्रह्मपक्षम स्वागतम। तो बागदाना मतलब लावा हुआ छिटाता है, मंडप बनता है, वधु गृह मतलब वर वधु, वर माने दूल्हा, वधु माने दुल्हन के घर, वर पक्ष वाले जाते हैं स्वागत करते हैं। वर वधम परस्परम निरीक्षणम, तो वर वधु दूल्हा दुल्हन को निरीक्षण किया जाता है, जिसको निरीक्षण मतलब परोसन परोसना ये कुछ होता है, निरीक्षण करता है। कन्यादानम कन्या के दान होती है, कन्यादान उनके पिताजी कन्या को दान करते हैं बेटे को। अग्नि स्थापना अग्नि की स्थापना होता है बीच में। पानीग्रहणम पानी ग्रहण होता है, सॉरी यहाँ लाज होमन होता है, लावा छिटना, लाज होमन लावा छिटाता है वो सप्तपदी। फिर सात वो आप पढ़े हैं सात फेरे वाले कस्मे बाद वो होते हैं, तो सात फेरे मतलब सातों जन्म तक ये होता है इसलिए सात फेरे होते हैं। सिंदूर दानम सिंदूर का दान होता है, मतलब सात फेरे का मतलब हुआ सातों जन्म तक एक दूसरे को पालन और बेहतर जीवन जीने के लिए एक दूसरे के साथ एक प्रॉमिस दिलाया जाता है, कसम दिलाया जाता है कि आप एक दूसरे का माने, सिंदूरदान सिंदूर का दान किया जाता है इत्यादि। सर्वोत्तम समान रूपेण विवाह संस्कार से पुण्यम आयोजनम भवति। तो समान रूप विवाह एक संस्कार के रूप में आयोजन होता है। तदांतरम गर्भधारण उसके बाद शादी विवाह के बाद गर्भधारण होता है, जो तीन हम लोग पढ़ चुके थे। संस्कारम पुनर्वृत्ति फिर ये गर्भधारण होता है, फिर संस्कार पुनर्वृत्ति इसी तरह से चलते रहता है। अब जो बच्चा गर्भधारण हुआ बच्चा जन्म लेगा, वो बच्चा बच्ची वो जो भी हो लड़का या लड़की जन्म लेगा, फिर उसका भी इसी तरह से पालन पोषण होगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो उसको मतलब पढ़ाई करेगा, फिर पढ़ाई के बाद वो फिर गुरु के मतलब अब तो पढ़ाई का चेंज हो गया, स्कूल जाइए पढ़िए, और फिर पढ़ने होने के बाद आप गृहस्थ जीवन में आइए, फिर इसी तरह से प्रक्रिया जीवन चक्र चलते रहता है। मरण दान तक उसके बाद मरण दान भी एक संस्कार है, अति संस्कार है अनुष्ठति एवं भारतीय जीवन दर्शन से
महत्वपूर्ण अनुपादम संस्कार इति। तो भारतीय जीवन का ये महत्वपूर्ण अनुपान संस्कार है। तो बच्चों, इस तरह से आपका भारतीय संस्कार का षष्ठा पाठ भी समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको हिंदी में अच्छा से समझा सके हैं, और वीडियो आपको अच्छा भी लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें, और शेयर ज़रूर कीजिए, थोड़ा हेल्प मोटिवेट कीजिए तो अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।